हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए मुझे क्या मिला। ये बटरफ्लाई मेरी गाड़ी पे बैठी हुई थी पर ये उड़ नहीं पा रही है, तो मैंने इसे उठाया। ये देखिए इस तरह ये नीचे गिर चुकी थी, पता नहीं इसे क्या हुआ है। फिर मैंने उठाकर इसे ऊपर इस तरह लगा दिया ताकि वो उड़ जाए। स्टे ट्यून एवरीवन। आज स्कूल में मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने दिया ये मिठाई का डब्बा। उसने कहा कि ये दशहरा गिफ्ट है मैम, आपको लेना होगा। तो मैंने ले लिया, ये देखिए। तो गाइस, टेरोन अब जा रहा है कार ड्राइविंग सीखने के लिए। Bye. Bye-bye. What time you'll come? After 1 hour? Yeah. डिनर के लिए मैं बना रही हूँ साबुदाने की खिचड़ी। इस टाइम साबुदाने की खिचड़ी मैंने बहुत यूनिक स्टाइल से बनाई है। आलू को मैंने उबाल लिया, मैंने लिए खूब सारे वेजिटेबल्स। फली को मैंने दरदरा पीस लिया था। मैंने डाला कैरेट, कैप्सिकम, टमाटर, हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने लिया 2 चम्मच फली का तेल, उसमें मैंने डाल दिया राई। राई थोड़ा चिटकने के बाद इसमें मैंने डाल दिया जीरा और फिर साथ में यहाँ पर ग्रीन चिलीज, कैरेट, कैप्सिकम और टमाटर। सारों को एक साथ मैंने डाल दिया और अच्छे से इसे भून लिया। वेजिटेबल्स थोड़े से भुनने के बाद मैंने डाल दिया उबले हुए आलू बारीक कट करके। उसमें मैंने डाला नमक, उसे मैंने फिर से भून लिया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी से एक बहुत ही बढ़िया कलर आता है। अब मैं डाल दूँगी इसमें फली और फिर इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर और उसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। आज मैं रेगुलर स्टाइल वाली साबुदाने की खिचड़ी नहीं बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी यम्मी सूपी साबुदाने की खिचड़ी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी साबुदाना जिसे मैंने अच्छे से उबाल लिया था। उस जूस को अब मैं साबुदाना और उसके पानी को अब मैं इसमें डाल दूँगी और अब अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बिलीव मी व्यूअर्स, इतनी टेस्टी साबुदाने की सूपी खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई। इट वॉज सो यम्मी, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और फिर आप बोलोगे कि वाओ रियली इट इज़ अमेजिंग एंड यम्मी। अब इस स्टेज पे मैंने डाल दिया खूब सारा धनिया पत्ता जिसे हम कोतमीर कहते हैं। फिर और 1-2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से पकाया। बस यमी यमी सूपी साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, योर फैमिली विल लव इट। गैस बंद करने के बाद मैंने डाल दिया आधा नींबू का जूस। डिनर करने के बाद हम गए थे बाटा। मैंने वहाँ से चप्पल लिए क्योंकि मैं सिर्फ डॉक्टर्स को चप्पल ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है सारा दिन और बहुत घंटों तक ठहरना पड़ता है, तो मैं ये शूज़ और ये चप्पल में ही बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। यहाँ से हम लोग गए थे अलीज़।
एक ऑप्टिकल शॉप है, हम लोग चश्मे वहीं पे बनवाते हैं। सैम का चश्मा टूट गया था तो हम वहाँ पर पहुँचे नया चश्मा लेने के लिए। बताओ लगा के? Let me see ना, nice. अच्छा लग रहा ये स्मॉल वाला है, नहीं स्मॉल ये वाला ब्लैक। ठहरो, लेट हिम कम। ये वाला भी दिखा। देखो अच्छा लग, वेरी नाइस। पुराना लगो, इसमें इसमें बहुत फर्क है। अच्छा थोड़ा दूसरा नहीं है क्या? बोलते ये ब्लैक में है। अगले दिन डेरोन आया था मुझे स्कूल में लेने के लिए। 4:30 बज रहे थे। स्कूल से आने के बाद फ्रेश होकर मैंने खाए स्नैक्स। स्नैक्स में थे उबले हुए चने, इसे मैंने जस्ट ऐसे ही रोस्ट जीरा डाल कर रोस्ट कर लिया था, और साथ में मैंने बनाया लेमन टी। घर पर सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी तो सैम ऑफिस से आने के बाद सब्जियां लेके आए। क्या क्या लाए? भिंडी है, बैगन, सेम की फली, बीन्स, ग्रीन चिलीज, कैरेट। ऊपर रखो, क्यों है ना अंदर वहाँ पर। ये करेला भी लाए, करेला भी लेके आया। टमाटर, ओके। तो कल सुबह क्या करना है उसको प्लान इट आउट। मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन चिलीज का अचार बना के रखूँ रोटी के साथ। तो व्यूवर्स, ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।